तो मैम अब आप मेरे को बताइए, मैं हिंदू धर्म का होके अगर इस्लाम कबूल कर लेता हूँ तो मेरे समाज के लोग तो मेरे को धक्के देके मेरी जीवन से निकाल देंगे, समाज में बैठने लायक नहीं रहूँगा मैं। मैम वहाँ पे वो मेरे को फोर्स करता था कि इस्लाम कबूल कर ले, अच्छा रहेगा, तुम्हारी जात भी अलग है, तुम्हारी जात वाले मानते नहीं हैं, वैसे ही देवी देवताओं का तुम्हारा पता नहीं है, 36,000 हैं, 36 करोड़ हैं। कि कुछ भी काम करते वक्त बिस्मिल्लाह बोलता था कि ऐसे कुछ बोलो पढ़ो। तिहाड़ में कोई गैंग चलती है, कोई हाशमी हाशिम, उनकी धमकी देता है कि जिंदगी तेरी ख़राब करवा दूंगा। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली और पूरे देश भर में धर्म परिवर्तन का खेल जारी है और इस धर्म परिवर्तन के शिकार लगातार हिंदू समाज के लोग होते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो लगातार हिंदू समाज के लड़के और लड़कियों को उनके धर्म को जबरन परिवर्तन करने के लिए, उस धर्म में आने के लिए फोर्स करते हैं, और जब कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर कई बार आरोप लगा दिए जाते हैं, उसको झूठे केस में फंसा दिया जा रहा है या फिर कहें उससे मोटे मोटे रकम की डिमांड की जा रही है। एक शख्स आज हमें ऐसा मिला है जो अपनी पूरी स्थिति करीब कई सालों से जो वो फेस कर रहा है, जो लगातार उसके साथ बीत रही है, वो सब कुछ आज हमारे ऑन कैमरा बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कहां का रहने वाला है ये हम ऑन कैमरा आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उसकी सुरक्षा का भी खासा ध्यान हमारे चैनल की तरफ से रखा गया है। उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी। उससे पहले मैं ये बता दूं कि लगातार राजधानी दिल्ली में भी ऐसे मामले आ रहे हैं और पूरे देश भर में भी हम देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के नाम पर बहुत सारे लड़के और लड़कियों को फंसाया जा रहा है। और आज जो ये शख्स हमारे साथ बैठे हैं, कुछ उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इनको कई बार 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 फोर्स किया जाता है और जब ये नहीं कर रहे हैं तो इनसे अमाउंट मांगा जा रहा है, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि झूठे केस में भी इनको फंसा दिया गया है। और बात रही दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। सर क्या नाम है आपका? राजू नाम है मेरा। राजू, क्या कुछ हो रहा है पूरी बात एक बार बताइए, कब से शुरू हुआ ये सब? मैम 2019 से। 2019 से क्या कुछ हो रहा है? मैम एक कलीम नाम का व्यक्ति है, तकरीबन 15 महीने मैं उसके साथ ही रहा था। 18 से पहले से लेके 19 तक मैं साथ ही था। ठीक है। मैम वहाँ पे वो मेरे को फोर्स करता था कि इस्लाम कबूल कर ले, अच्छा रहेगा, तुम्हारी जात भी अलग है, तुम्हारी जात वाले मानते नहीं है, वैसे ही देवी देवताओं का तुम्हारा पता नहीं है, 36,000 हैं, 36 करोड़ हैं। अच्छा। एनी टाइम मैम कमेंट्स पास करते रहता था। हाँ। मैंने सोचा कि चलो मजाक में बोलता है, कोई बात नहीं। हाँ। मैम धीरे धीरे करके उसने मेरे को इतना टॉर्चर करना चालू कर दिया कि कुछ भी काम करते वक्त बिस्मिल्लाह बोलता था कि ऐसे कुछ बोलो पढ़ो। मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर करा। मैम बीच में फिर फ़ोन करके उसने मेरे को धमकी भी दी कि मान जा, तरीके से मान जा, वरना और भी तरीके हैं मनाने के। फिर मैम बीच उसके बाद में उसने मेरे से 1,00,000 रुपए की डिमांड करी। अच्छा। मैंने उसको मना कर दिया, फिर नहीं माना। मैम उसने एक एक करके यहाँ के सेंट्रल दिल्ली के 5 पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा चुका है, जिसमें से 3 सक्सेसफुली करा चुका है वो, 2 फेक जो उसको पुलिस वालों ने वहीं से धक्के दे के निकाल दिया। हाँ। मैम 3 मुकदमे जो मेरे पे दर्ज हुए, उन तीनों में मैंने अपने आप को, अपने एविडेंस, अपने प्रूफ कोर्ट में पेश करके अपनी बेल कराई। मैम जैसे करके ब्याज पे पैसे उठा के 10,000 का ब्याज मैम अभी तक मैं पे भी नहीं कर पाया हूँ, जो मैंने 10,000 रुपये बेल के लिए दिए थे एडवोकेट को। अच्छा। और मैम अब फिर से उसने तीसरा मुकदमा मेरे पे दर्ज करवा दिया है दरियागंज थाने में। अच्छा। जी मैम आए दिन अगर मैं मना करता हूँ कि मैं नहीं कबूलूंगा और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे को बोलता है तेरी शादी भी करवा दूंगा, बहुत खूबसूरत लड़की से करवा दूंगा, लड़की भी बहुत अच्छी होगी, बस तरीके से तू रहेगा, अपनी ज़िंदगी काट लियो। अच्छा। और नहीं मानेगा तो 1,00,000 रुपए। और मैम किसी तिहाड़ में कोई गैंग चलती है, कोई हाशमी हाशिम। हाँ। उनकी धमकी देता है कि ज़िंदगी तेरी ख़राब करवा दूंगा। 5 बार मेरे पे मुकदमे दर्ज करवा चुका है। मैं होम मिनिस्टर में, गृह मंत्री के पास में लेटर भेज दे के आ चुका हूँ, अर्जी दे चुका हूँ, DCP साहब के यहाँ पर अपनी अर्जी दे चुका हूँ, ACP साहब के यहाँ पर अपनी अर्जी दे चुका हूँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल कनाट प्लेस में वहाँ पे अपनी अर्जी दे चुका हूँ, SDM साहब के यहाँ पे अपनी अर्जी दे चुका हूँ, DM साहब के यहाँ पे अपनी अर्जी दे चुका हूँ, CM दिल्ली वहाँ पे भी अपनी अर्जी दे चुका हूँ, डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पे भी अपनी अर्जी दे चुका हूँ। मेरी अभी तक 4 महीने से उसने मेरी ऐसी दशा कर रखी है कि ना मैं घर पे ही रह पा रहा हूँ, ना मैं ड्यूटी कर पा रहा हूँ। अभी तक मेरी पुलिस ने कहीं से कहीं तक कोई मदद नहीं करी है। मैम मैं कब तक अपने आप को बचाने के लिए अपने लिए गवाह ढूंढता रहूँगा? कभी कभार मैम ऐसा भी होता है कि मैं घर पे होता हूँ, मैं इतने बड़े हाई प्रोफाइल घर से हूँ नहीं कि मेरे घर पे कैमरे लगे हों,
यहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ, यहाँ पे तो कैमरे हैं, तो मैं जाके कोर्ट में भी पेश कर देता हूँ, थाने में भी दिखा देता हूँ कि सर देखिए मैं यहाँ पे था। तो मैम ये सब कब तक चलेगा? कोई पुलिस कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा, ये जिस लड़के का आप नाम बता रहे हैं जी, ये आपको कैसे जानता है? मैम जहाँ मैं ड्यूटी करता था वहाँ ये रहता था, ये काम करता है मदरसे में, पर्चियाँ जो कलेक्शन का काम होता है। अच्छा, मदरसे में पर्चियाँ कलेक्शन? जी जी जी। किस चीज़ की पर्चियाँ होती हैं? मैम जो घर घर जाके पर्चियों का कलेक्शन का काम होता है ना, पैसे मांगते हैं लोगों से मदरसे के नाम पे। अच्छा, वो ये काम पर पैसे जो मांगते जी मैम, इनका मैम 6 से 7 जनों का ग्रुप है। हाँ। और मैं उन सबको अच्छे से जानता हूँ। अच्छा जी मैम, तो उन सबको आप जानते हैं कैसे, मतलब कहाँ मिले क्या? मैम मैं देखता हूँ ना ये निकलते हुए आते हुए रोड पे भी ये उन्हीं के साथ ही खड़ा होता है। अच्छा, 5-6 लोग ऐसे हैं मैम, ये बहुत ही ज्यादा खूंखार हैं और इन्होंने कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, मेरे पास इस चीज़ का भी प्रूफ है। अच्छा जी मैम, मेरे से पहले भी इन्होंने किसी और का धर्म परिवर्तन करवाया है, मेरे पास उसका प्रूफ है, पूरा प्रॉपर एड्रेस भी है। अच्छा जी मैम, मैं कोई ये नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं थाने में भी 1 नहीं 10 थानों में अपनी कंप्लेंटें दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने मेरा कहीं से कहीं तक कोई साथ नहीं दिया। जाता हूँ कंप्लेंट देता हूँ, थाने वाले रिसीव करते हैं आ जाते हैं। मैम थाने में बैठ बैठ के तक रोया हूँ मैं कि सर मेरी कंप्लेंट लिख लो, मेरे को बचा लो, ये मेरे पे फिर सामने मुकदमा दर्ज कर देगा। फिर मेरे को मुकदमे आप पर दर्ज करते हैं करता है ये कलीम जिसका आप नाम बता रहे हैं, ये किस चीज़ के मुकदमे आप पर दर्ज कराता है? मैम कभी कह देता है कि मेरे साथ रोबरी हुई है, कभी कहता है कि मेरे मोबाइल छीन लिए गए, कभी कहता है मुझको मारा गया, कभी कहता है कि मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया गया। अच्छा, तो इसकी जांच नहीं होती है? मैम जांच होती है, हर बार ये फ्रॉड साबित होता है। और देखिए कितनी बड़ी बात है, हर बार फ्रॉड साबित होने के बावजूद इस पे पुलिस ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। 30,000 कोर्ट में MLC में इसकी कुछ नहीं आया, सब कुछ क्लियर आया कि इसके कोई चोट ही नहीं लगी, कोई इसके साथ वारदात ही नहीं हुई। और जिस दिन ये वारदात बता रहा था उस टाइम पे मैं अपने घर पे था, मेरी ड्यूटी भी 11 से 11 की होती है। अच्छा जी मैम, और इसने सुबह 9 बजे का मॉर्निंग का वाक्य बता करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। मैं 11 की बजाय 12:30 बजे ड्यूटी पर आता हूँ, मेरे पास फ़ोन आता है थाने से, यहाँ पर आ जाओ। जब भी आपको बोलता है कि आप इसकी बात मान लो, जब आपसे पैसे मांगता है और आप नहीं देते हैं, तो इसीलिए आप पर आरोप लगाता है, झूठे आरोप लगाता है, लेकिन ये आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैम सारी बात मैंने आपको बताई थी। हाँ। सिर्फ और सिर्फ धर्म का मैटर है और कोई मैटर नहीं है। मैं आज इसके कहने से धर्म कबूल कर लूँ इसका, आज मेरे को कह रहा है मैं तेरी शादी भी करवा दूंगा। हाँ। अब मैम आप एक बात बताइए, जो मेरी घर पे 2 बेटी हैं, शादीशुदा हूँ मैं ऑलरेडी। हाँ। तो मैम नहीं पता ये बात? मैम पता है, सब कुछ पता है इसको कि मैं किस घर से बिलोंग करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरे फादर की मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, सब कुछ इसे प्रॉपर पता है। हाँ। उसके बावजूद ये मेरे पे प्रेशर बनाता है, मुझे टॉर्चर करता है। हाँ। आए दिन मैम कभी भी किसी रिक्शे वाले का फ़ोन ले लेता है, रात को 2 बजे, कभी दिन में 2 बजे मुझे फ़ोन करता है, मानेगा या नहीं मानेगा या नहीं, उस चीज़ का भी प्रूफ मैम मैंने कोर्ट में दिया। हाँ। जज साहब ने देखा, जज साहब को दिखाया मैंने, वकील ने दिखाया हमारे ने कि देखो सर ऐसे ऐसे लड़का हर चीज़ का प्रूफ दे रहा है। मैम उसके बावजूद दिल्ली पुलिस अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। मैम थानों में जा जाके थक चुका हूँ, अब तो मैम एक ही ऑप्शन है मेरे पास, जिस दिन मैं सुसाइड करूँगा दिल्ली पुलिस को बोल के जाऊँगा, अगर मैं मरा तो कलीम के चक्कर में मरूँगा। मैं और मेरी फैमिली ठाने बैठे हैं, अब सुसाइड के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। क्यों मैम, मेरे बड़े भाई थे, उनकी डेथ हो चुकी है 6 साल पहले, अब मेरी भाभी रहती हैं घर पर, वो भी विधवा आएंगी, उनका भी मुझे देखना पड़ता है, 7 साल का मेरा एक भतीजा है, उनका भी मैं इसी सैलरी में मैनेज करता हूँ। अब मैम अगर मैं ही नहीं रहा तो मेरी फैमिली वाले किसके सहारे जिएंगे, बताइए आप। जो होता है मैम कमाता हूँ, अपना घर चलाता हूँ, और उसके बावजूद मुझे जीने नहीं दे रहा। तो मैम मेरे पास 2 बार मैं ऑलरेडी सुसाइड की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्या लग गया जो मैं बच चुका हूँ। एक बार मैंने पेट्रोल पी लिया था और एक बार मैं एसिड पी चुका हूँ। मेरे पास सारी प्रूफ हैं, सारे रिकॉर्ड हैं, जहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ वहाँ के पर्चे हैं, आज तक मेरे पे मौजूद हैं। इसने थाने जाते हैं तो तब आपके साथ क्या कुछ होता है, पुलिस क्या बोलती है, कैसा रवैया होता है पुलिस का? मैम DCP साहब के यहाँ जाता हूँ तो DCP साहब के यहाँ बाहर रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है मैम, वो बोलती हैं सर नहीं है अभी। ACP साहब के यहाँ जाता हूँ, 2 घंटे इंतजार करने के बाद उनसे मिलने दिया जाता है। उनको मैंने अपनी पूरी दास्तां बता दी, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, मुझे टॉर्चर कर रहा है काफ़ी टाइम से। मैम उन्होंने बोला ठीक है अभी बुलवाते हैं, अभी तक तो कोई मैम जवाब नहीं आया। ये जो इनका एक पूरा आप बता रहे हैं कि पूरा इनका एक ग्रुप है 10-15 लोगों का, और ये सबके साथ ऐसे ही करते हैं? मैम 5-6 लोग हैं जो इनके ग्रुप के हैं, उन्हें मैं सभी को जानता हूँ। हाँ। क्योंकि वो मेरे पास रुक रुक के जा चुके हैं। अच्छा जी मैम। तो ये आपके साथ ही काम करते थे के? नहीं 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 मैम, इनकी लाइन अलग है, मैं तो वहाँ पे एज ए इंचार्ज के तौर पे ड्यूटी करता हूँ, ये वहाँ पे रुकने के लिए आते हैं, तो मैं इनको संभालने, हमारा देख रेख का काम होता है हमारा वहाँ पे।
तो ये वहाँ पर आते हैं लड़के? जी मैम, ये वहाँ स्टे करने के लिए आते हैं। हमें नहीं पता ये क्या काम करते थे, लेकिन जब इन्होंने रहना चालू कर दिया, इनका रहन सहन, बोलचाल, इनके मिलने जुलने वाले लोग, जब बाद में पता चला, फिर इन्होंने खुद भी बताया कि हाँ, हमारा मदरसे में पर्चियों का काम है। इनके बैग में तो ये जो पर्चियाँ होती हैं वो सब सही होती हैं? नहीं नहीं मैम, नहीं, कोई सही पर्ची नहीं होती मदरसे के नाम पर। ये रह दिल्ली में रहे, इन्होंने पर्ची छपवा रखी है मुजफ्फरनगर की। अच्छा। मुजफ्फरपुर की, बिहार की। हाँ। और आपके यूपी में पड़ता फरुखाबाद, वहाँ की, कानपुर की, ऐसी ऐसी जगह के वहाँ के नाम की इन्होंने पर्चियाँ छपवा रखी हैं। तो ये पर्चियाँ कहाँ से छपती हैं मैम? वो तो किसी भी प्रिंटिंग प्रेस वाले को आप 100 के 1000 दोगे, कोई भी छाप के दे देगा। अच्छा, झूठी पर्चियाँ? झूठी पर्चियाँ जी मैम। तो कोई मतलब पूरे हर दिल्ली के इलाकों में जाते हैं लोगों से? आपको ये मोस्टली अगर मिलेंगे तो नई दिल्ली के एरिया में या पुरानी दिल्ली एरिया में ही मिलेंगे दिल्ली में। अच्छा। बाकी किसी एरिया में यहाँ पर इनका इनकी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं तो उनसे पैसे लेते हैं? जी मैम, उनसे पैसे लेते हैं, मदरसे के नाम के, मस्जिद के नाम के। और बाकी मैम ये फेक होते हैं, अधिकतर फेक हैं। अच्छा, आपसे जो पैसे मांगे जाते हैं, आपको क्या ये भी कहा जाता है कि अगर आपने इनका धर्म कबूल कर लिया तो आपको पैसा मिलेगा या ऐसे कुछ चीज़ें? मैम हाँ, शुरू में इसने बोला था। हाँ। कि बीच में जब जिस दिन इसने मेरे पर मुकदमा दर्ज करवाया था, कह रहा अब भी देरी नहीं हुई है, मान जा। अच्छा। तेरी शादी भी हो जाएगी। हाँ। मैंने कहा यार तू मेरे से पैसे मांग रहा है, मेरे पे पैसे छोड़, 1 लाख छोड़, मेरे पे तो 1000 रुपये नहीं है। 1 लाख रुपये मांग रहा? जी मैम, 1 लाख रुपये। कहने लगा शादी कर ले और शादी भी तेरी बहुत अच्छे घर में करवा दूंगा, 1 लाख रुपए की बात है, 1-1.5 लाख रुपए तेरे को दिलवा दूंगा। तो मैम अब आप मेरे को बताइए, मैं हिंदू धर्म का होके अगर इस्लाम कबूल कर लेता हूँ तो मेरे समाज के लोग तो मेरे को धक्के देके मेरे जीवन से निकाल देंगे, समाज में बैठने लायक नहीं रहूँगा मैं, ना तो मैं घर का ही रहूँगा ना मैं घाट का रहूँगा। हाँ। और चलो अगर मैं भी कबूल कर लेता हूँ तो मेरे माँ बाप घर पे, मेरी विधवा भाभी, मेरा भतीजा, मेरी 2 बेटी, मेरी वाइफ किसके सहारे जिएंगी बताइए आप मेरे को, उनको कौन देखेगा? अब ये टाइम है मेरे को उनको कमा के देने का, अब भी मैं उनसे पैसे ले लेके अपनी जमानतें कराए जा रहा हूँ मैम, और क्या कर सकता हूँ? एक स्कूटी थी, बचरी थी मेरे पास, बचा रखी थी मैंने भाई की यादों में, मेरे भाई हुआ करते थे, उनकी पसंदीदा स्कूटी थी, वो भी मैम इस केस के चक्कर में मैंने बेच दी। हाँ। पैसे ही नहीं है मैम, 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही। हाँ। रियल फैक्ट बता रहा हूँ, किसी से पता कर लीजिए आप, 3 महीने से हम लोगों की सैलरी नहीं आई हुई है, मांग मांग के खर्चा चला रहे हैं। तो मैम इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँगा, मैं बिल्कुल लाचार हो चुका हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के रो रो के थक चुका हूँ हर थाने में, हर चौकी में, लेकिन अभी तक कहीं से कहीं तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। थाने में जाता हूँ वो कहते हैं चौकी जाओ, चौकी में जाता हूँ कहते हैं DD एंट्री करा के आओ, ये करा के आओ, वो करा के आओ। हाँ, जबकि कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि मैम ये हर बार कोर्ट में भी, थाने में भी, चौकी में भी, हॉस्पिटल में, हर बार ये फ्रॉड साबित होता है, फेक साबित होता है। हाँ। कि ऐसा कुछ इसके अच्छा, साथ आपको आप बता रहे हैं ऑन कैमरा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और आपके आसपास दो को तो मैं जानता हूँ अच्छे से। हाँ। जिन्हें इसने कबूल करवा चुका, वो हिंदू धर्म के थे, वो रहने वाले भी कहाँ के थे मैं वो भी आपको बता दूंगा, वो पहले प्रॉपर हिंदू हुआ करते थे, अब जब से उसने इस्लाम धर्म कबूल करा है, जब से उसके घर वालों ने उसको धक्के देके घर से निकाल दिया है। अच्छा, उस लड़के को उस लड़के को निकाल दिया, उसको भी क्या इन्होंने पैसे का? जी मैम, वो अब से मैं आपको 3 साल पहले का उसका आधार कार्ड भी दिखा दूंगा। हाँ। और अब का रिसेंट का आधार कार्ड भी दिखा दूंगा। 4 साल पहले वो एक हिंदू समाज का अच्छा लड़का हुआ करता था, आज की डेट में एक वो आप उसको देखेंगे कहेंगे कि यही था क्या वो? उसने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रखी है, चेस्ट तलक अपनी। अच्छा। जी मैम। हाँ। और कुर्ता पजामा पहनता है, सर पे टोपी लगाता है। हाँ। नाम भी उसने अपना बदल लिया है, नाम बदल लिया है। जी मैम, जी जी मैम। अच्छा, तो पैसे भी मिले उसको? मैम पैसे वैसे का तो मुझे लगता नहीं मिले। हाँ। क्योंकि पहले से कंडीशन उसकी और ज्यादा खराब हो गई है, पहले तो जी मैम पहले तो। लेकिन ये स्टार्टिंग में जब जो आप बता रहे हैं कलीम का जो नाम बता रहे हैं, ये क्या पहले लालच देता है पैसों का? जी मैम, ये लालच देता है मैम, इसे ये यहाँ तक लोगों को लालच देता है कि कबूल कर लो, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बनवा दूंगा, तुम्हारी शादी करवा दे रहा हूँ, अच्छी लड़की दिलवा दूंगा, अच्छे पैसे दिलवा दूंगा, लोग लालच में कर लेते हैं। हाँ। जो गरीब बेघर लोग पटरी पे रह रहे हैं उनका क्या जा रहा है, कर ली उन्होंने। हाँ। अब उन्हें क्या पता ये सब करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। मैम एक है मेरा वाकया, मेरी नज़रों का देखा हुआ, अब से 4 साल पहले मैंने 5 साल पहले उसको देखा था, वो नॉर्मल एक फिट लड़का था, आज की डेट में कुर्ता पजामा पहनता है, दाढ़ी रख रखी है, नाम भी बदल लिया है, धर्म प्रॉपर बदल चुका है, और हालात पहले से उसके ज़्यादा गिर चुके हैं। पहले पहनता था 400-500 रुपए की चप्पल, वो आज की डेट में 50 रुपए की चप्पल पैर में पहनता है। तो मैं हर चीज़ उसकी नोटिस करी मैम, और हालात तो उसके गिर गए हैं जब से उसके घर वालों ने उसको निकाला है। अब वो सड़कों पे किसी से 10 रुपये, किसी से 5 रुपये, किसी से 20 रुपये, कहीं भी मस्जिद की सीढ़ियाँ मिलती हैं वहाँ बैठ जाता है, वहाँ मांगना चालू कर देता है।
अब के हालात उसके ये हैं। कुछ आप दिखाएंगे मुझे पेपर्स जिसमें आपने कंप्लेंट लगाई हुई, शायद ये हैं आपके पेपर्स। तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जो चीज़ें इस बात की सबूत और उसको गवाह मान सकते हैं आप, जो कंप्लेंट इनके खिलाफ हुई है, जो कलीम जिसका नाम ये बता रहे हैं उन्होंने जो इस पर एक केस कराया था, जो FIR कराई गई थी, जिसका केस अभी तक ये लड़ रहे हैं और ये लगातार कोर्ट में भी यही प्रूफ करते हैं कि इन पर जो ये केस लगाया गया है वो झूठा केस है, रॉबरी का केस, यानी कि चोरी का केस, लूटपाट का केस जिसे कहेंगे, जो कलीम ने इनके ऊपर लगाया है, जो अभी केस चल रहा है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, थाने में इन्होंने लगाई हुई है कंप्लेंट, ये है SHO, ये है SHO को इन्होंने कंप्लेंट दी है दिल्ली पुलिस के, थाना मैं नहीं बताऊंगी आपको कौन सा है, नियर का ही थाना है जहां पर इन्होंने कंप्लेंट दी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा मैं एक बार और आपको बताऊंगी, ACP साहब को भी इन्होंने कंप्लेंट दी है, हालांकि दिल्ली के जो आसपास जिस इलाके में रहते हैं उसके जो आसपास जितने भी थाने आते हैं उन सभी थानों में इन्होंने कंप्लेंट दे दी है। दरियागंज का थाना है वहाँ पर भी इन्होंने कंप्लेंट दी है, जहाँ पर DCP साहब बैठते हैं उनको भी इन्होंने कंप्लेंट दी है, और ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिनको इन्होंने लिखकर भी दिया है कंप्लेंट है, जहाँ पर मुख्यालय कार्यालय का स्टैंप भी लगा हुआ है, ये है वो कंप्लेंट आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाऊंगी, एक ये भी कंप्लेंट है, ये है SDM साहब को कंप्लेंट दी है इन्होंने, दरियागंज के SDM साहब को, जिस पर लिखा भी हुआ है जबरन प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन के खिलाफ कंप्लेंट, ये देखिए। तो एक शख्स जो 2019 से परेशान है और आज 2023 चल रहा है, यानी इन कुछ सालों में इस व्यक्ति को लगातार इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जबरन कोशिश की जा रही है, और जब ये व्यक्ति नहीं करना चाह रहा है तो उस पर दबाव बनाया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे केस में लगातार फंसाया जा रहा है, और अभी जो रिसेंट का केस इन पर लगाया गया वो रॉबरी का, लूटपाट का केस है। लूटपाट के बाद अभी मैंने फ्राइडे को लगाया कि मैंने उसके कान पे थप्पड़ मार दिया और उसका कान का पर्दा फट गया। हाँ। जब मैम MLC कराई, MLC में कुछ नहीं आया। आया नहीं कुछ। जी मैम, हर बार ऐसी करता है, मैं घर पे होता हूँ तो बोल देता है मेरे को वहाँ पे मारा है, मेरे यहाँ पे मारा है, और हर बार मैम मेरे को मजबूरी में किसी के पैर पकड़ के हाथ जोड़ के CCTV फुटेज निकलवानी पड़ती है, अपना बेगुनाही का प्रूफ सबूत पुलिस को देना पड़ता है जब जाकर के मैं बसता हूँ। देखिए तो मैं ये जिस तरीके की चीज़ें बता रहे हैं ये वाकई हैरान करने वाली तो इसीलिए भी है क्योंकि इनका एक पूरा ग्रुप है। ये ग्रुप क्या करता है, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में जाता है, इन्होंने झूठे मदरसे के नाम पर फर्जी पेपर बनवाए हुए हैं जिसके नाम पर ये लोगों से पैसे लेते हैं कि मदरसे में और जो मस्जिद है वहाँ पर सेवा के नाम पर लोगों से पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसा मदरसे और मस्जिद तक पहुँच ही नहीं पाता क्योंकि जो ये पर्ची काट कर देते हैं वो सारी फेक पर्ची होती है और उससे ये पैसे कमाते हैं। रही दूसरी बात, धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर लोगों को लालच देते हैं कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, आपको इतना फंड मिलेगा। कुछ बड़े इनके लोग हैं, इनके धर्म के कुछ बड़े मौलाना हैं जिनका ये नाम लेते हैं और उनके नाम पर लोगों को डराते धमकाते हैं और फोर्स करते हैं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, आपको 10 लाख 1 लाख अच्छी नौकरी, अच्छी शादी करा दी जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुम्हारा समाज में एक नाम हो जाएगा, कई तरीके की बातें करते हैं। और जो लोग काफ़ी परेशान होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती या फिर जिनके पास पैसे नहीं होते वो घबरा भी जाते हैं और कई बार सोचते हैं कि शायद वो धर्म कबूल करने से क्या ही हो जाएगा, धर्म कर लेते हैं हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन आखिर में ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिस धर्म के हैं आप अपने ही धर्म में रहिए। लगातार ऐसे मामले राजधानी दिल्ली और पूरे देश भर से सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। शख्स जो हमारे साथ बैठे हैं ये लगातार थाने में तो जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है, लगातार अलग अलग दिल्ली के जितने भी इलाके के थाने हैं सभी थानों में इन्होंने कंप्लेंट दे दी, यहाँ तक कि SDM CM अरविंद केजरीवाल को भी लेटर लिख लिया, लेकिन उसके बाद भी PMO ऑफिस में भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ऑफिस तक में इन्होंने कंप्लेंट दे दी है। लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई कब होगी, कब तक इसी तरीके से चलता रहेगा, कब तक हिंदू समाज के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए फोर्स किया जाता रहेगा। अब जिसका मन है वो कर भी लेता है लेकिन जो नहीं करना चाहता उसको ज़बरदस्ती क्यों धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जा रहा है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस व्यक्ति जितने भी आरोप उस व्यक्ति पर लगा रहे हैं और जिस तरीके से इनको टॉर्चर किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान है, जैसे ये बता रहे हैं दो दो बार सुसाइड अटैम्प्ट कर चुके हैं,
इनके दो छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नी है। आप सोचिए जिस तरीके से इनके साथ किया जा रहा है, आने वाले समय में अगर कुछ हो जाता है तो इनका पूरा परिवार कहाँ जाएगा? जिस घर में एक ही शख्स कमाने वाला है, अगर वो ही चला जाएगा तो उसके बाद उसके पूरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? और ये कब तक राजधानी दिल्ली में चलता रहेगा? इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दिल्ली पुलिस जो है कार्रवाई करे, और हम भी कोशिश करेंगे कि जिस जिस थानों का ये नाम बता रहे हैं, हालांकि ऑन कैमरा हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि इनकी सिक्योरिटी का भी सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि इनके जान को भी खतरा है, आज ये ऑन कैमरा आके सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन लगातार इनको कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, इन्हें परेशान भी करते हैं, कई बार जान से मारने की धमकी भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का ध्यान रखना हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें और इस बात को समझें कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, कोई आपको जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहा है, तो आप उनकी बातों में ना आए, अपने धर्म को कबूल करें, जिस धर्म के आप हैं उसी धर्म के रहें, किसी और धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।